हेलो एवरीवन, सीएमए इंटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो इंस्टीट्यूट ने अपना मैट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बुकलेट दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिट क्वेश्चंस, उसका हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी 135, 136 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए थे पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस से रिलेटेड। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे ईजी पार्ट टेकअप करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन होता है पूरे पेपर का, दैट इज मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को नंबर वन हड़बड़ी नहीं करना है, बिकॉज मैं चाहता हूं हर बच्चा 5 out of 5 स्कोर करे। देखो, गलती अगर एक भी करोगे तो एक गलती नहीं होगा, एक से एक गलती होगा तो दो गलती होगा मिनिमम, क्योंकि अगर एक रॉन्ग मैच करोगे तो उसका जो राइट मैच था वो पक्का गलत होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी गलती करना या हड़बड़ी करना बेवकूफी है। यहां पर जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, हमेशा ध्यान रखो आप एक एक पढ़ते जाओ। अगर आपको पता है या एकदम क्लियरली आइडेंटिफाइड है तो आप अपना मैच करना शुरू कर दो, क्वेश्चन पेपर में मैच कर दो। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को एक पर्टिकुलर चीज नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ के पहले दूसरे चार कर लो। जैसे ही आप दूसरे चार आंसर कर पाओगे, अपने आप पांचवा आंसर हो जाएगा। हां, एग्जाम में 5 question 6 answer दिए हुए रहते हैं, तो एक आंसर को इग्नोर करना पड़ता है, तो हो सकता है उसमें आप गलती कर सको। बट बेसिकली अगर 5-5 दोनों साइड दिया हुआ रहे, अगर एक नहीं समझ में आ रहा है, चार आता है, तो पांचवा आंसर अपने आप पता चल जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में इंट्यूशन बहुत काम करता है। आपको कोई चीज अगर नहीं भी पता है, तो आप अगर सामने वाले मैच के कॉलम को समझ पा रहे हो, तो आप अपने आप उसको इजीली मैच कर पाओगे। तो मैच दी फॉलोइंग में ऐसा नहीं है कि लेफ्ट के साथ राइट का आंसर, मतलब आपको चेक करना चाहिए लेफ्ट क्वेश्चन राइट, दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों ही आंसर है। इधर वाला नहीं समझ में आया तो इधर वाला पढ़ के ट्राई करो करने का, इजीली आपका आंसर हो जाएगा। बस मैं चाहता हूं आप हड़बड़ी ना करें और हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन दिए हैं, आप करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग की टेबल को वापस उतारना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको लिखना है 1 का कौन सा मैच है, 2 का कौन सा मैच है, 3 का कौन सा मैच है, 4 का कौन सा मैच है, 5 का कौन सा मैच है, या फिर A का कौन सा मैच है, B का कौन सा मैच है, C का कौन सा मैच है, 1 2 3 4 5 ABCDE। तो आपको इधर से इधर भी मैच कर सकते हो, इधर से इधर, हमेशा एडवाइसेबल है 1 2 3 4 5 को देख के ABCDE मैच करो, 1 का कौन सा है, 2 का कौन सा है, ऐसे आपको आंसर मैच करना चाहिए। इंस्टीट्यूट कैसे आंसर लिखा है वो भी आपको दिखा दूंगा, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। स्टार्ट करें हम लोग, चलिए बहुत मजा आएगा। मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस में जाते हैं, ये आ गए आपके मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस। मैच दी फॉलोइंग इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट इन कॉलम 2। आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। यहां देखो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यहां दिया हुआ है ABCDEFG। बेटर आंसर लिखने का तरीका, 1 का मान लो C, 2 का F, ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। आपको वहां पे पूरा टेबल वापस रिड्रॉ नहीं करना है, पढ़ते हैं। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नोटिंग चार्जेस के लिए दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मैं लिख देता हूं नंबर 1। फिर स्टॉक एंड डेटर, आप यहां पे भी लिख सकते हो ई, जैसे 1 का ई हो गया। फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये तो ब्रांच के लिए, डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग मेथड है, तो ये आपका हो गया देखो क्या, ब्रांच अकाउंट्स। फिर उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क सर्टिफाइड आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। एफ, एवरेज क्लॉज, याद करो एवरेज क्लॉज, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस क्लेम कहां पे है चेक करो, एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस क्लेम्स, नंबर जी। मैक्सिमम लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, क्या चीज का मेथड है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो गया पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1E 2A 3F 4G 5B, होप आपको आंसर लिखने का तरीका समझ में आ गया, डन है। चलिए आगे चलते, गार्नर वर्सेस मरे केस, बताओ इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, चेक करो इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, नंबर सी। रीपोजेशन ऑफ गुड्स, हायर परचेज, पैसा नहीं देते हो, पेमेंट ऑफ फेलियर इंस्टॉलमेंट, चेक करो रीपर्चेज रीपोजेशन ऑफ गुड्स, यहां पे जो दिया है उसमें एक ही चीज दिख रहा है, हायर वेंडर। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, डिपार्टमेंट स्टॉक रिजर्व, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 10 ए
AS10 फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, AS10। फिर ऑटोमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आगे चले, आप चाहो तो पूरा पढ़ लो पहले और उसके बाद फिर स्टार्ट करो। जैसे गैप, कैश रिसीट वाउचर, कैपिटल रिसीट, लाइबिलिटीज, कैश डिस्काउंट, ठीक है। इनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय डेटर, ये हो गया डिस्काउंट। उसके बाद अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू अदर्स, बिजनेस जो दूसरों को ओ करता है, लाइबिलिटी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। डिनोट्स रिसीट ऑफ कैश, कैश रिसीट वाउचर। तो बचा पांचवा कैपिटल रिसीट, नॉन रिकरिंग इन नेचर। पांच अगर दिया हो, पांच तो कोई टेंशन ही नहीं है रे, चार कर ले, पांचवा तो अपने आप पता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अरे बाप रे बाप, 10 दिया है, ध्यान से। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बताओ ना खुद से, आप देखना चाहो एक बार पूरा देख लो। क्रोनोलॉजिकल कहां होता है, जर्नल में, तो सी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, डी। टैंजिबल रियल अकाउंट, टैंजिबल रियल अकाउंट, रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड, टैंजिबल। फिक्स्ड एसेट जो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्चर, लैंड, ये सब हो गया, तो ये मशीनरी अकाउंट। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स रेकरिंग इन नेचर। हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सेप्ट कौन करता है, एक्सेप्ट डेटर या ड्रॉई, देखो ड्रॉई। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10। अमाउंट ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है मतलब आपने अच्छा काम किया है, एक्सेस वर्किंग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या बचा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एकदम बेसिक। आगे नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन 5। डबल कॉलम कैश बुक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट को आपने लोअर वैल्यू करके दिखाया जानबूझ के। सीक्रेट रिजर्व्स, बेकार का प्रॉफिट जमा हो रहा है जो दिख नहीं रहा है बट है। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंडेमनिटी पीरियड, इंश्योरेंस क्लेम, मिनिमम रेंट, डेड रेंट। डन, मैच द फॉलोइंग, बोथ जर्नल एंड लेजर, कैश बुक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, सीक्रेट रिजर्व। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इंडेमनिटी पीरियड, इंश्योरेंस क्लेम, मिनिमम रेंट, रॉयल्टीज। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मैक्सिमम लॉस मेथड बताओ। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, डी। पार्शियल रिपोजेशन, हायर परचेज, परचेज डे बुक, सब्सिडरी बुक। नोटिंग चार्जेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पीबीडीडी, क्रेडिट बैलेंस। डन। आगे क्वेश्चन 8, ये ध्यान से, हाँ ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, AS के नाम आपको लर्न करने, मैंने आपको हमेशा समझाया है AS का क्वेश्चन CMA में इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पूरे 7 क्वेश्चन में 5 करना है और एक AS का क्वेश्चन देता है प्रैक्टिकल, एक देता है थ्योरी, एकदम लास्ट क्वेश्चन में जहां पे भी एक चॉइस रहता है। AS आपके सिलेबस में दिया हुआ है 5। अगर मैं CA इंटर की बात करूं पढ़ाने में, तो उस 5 AS को पढ़ाने में मेरे को 10 से 12 क्लास लगता है, यानी 20 to 24 आवर्स का रीडिंग। और एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कहीं से भी दे देता है। तो अगर मैं आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे पढ़ा के आपको बोलूं आपका हो गया, पर्पस सॉल्व नहीं होता है। बेटर AS पे टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट करने से अच्छा पूरा दूसरा सिलेबस पार्ट रिवाइज करो। हाउएवर, AS का नंबर और उसका बेसिक नाम अगर आपको पता होगा, मैच द फॉलोइंग या फिर कोई मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन अच्छा है AS के नंबर से, ध्यान से जो आपको आता है वो आप ट्राई करना। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS4 लर्न करना है आपको, AS4। प्रायर पीरियड आइटम, AS5। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग, AS6। अब ये हो गया AS10। टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कल सिखाया था, AS9। बोरोइंग कॉस्ट, AS16। वैसे बोरोइंग कॉस्ट वगैरह ग्रुप 1 में नहीं है बट ये दिया है तो हम लोग कर रहे हैं। आपके 5 AS है सिलेबस में, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 डेप्रिसिएशन चैप्टर के साथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ताकि आप मैच दी फॉलोइंग में इनको कर सको. एक क्वेश्चन आता है मैच दी फॉलोइंग में. नेक्स्ट AS16 अभी कराया बोरोइंग कॉस्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेमिटेंस इन ट्रांजिट, रेमिटेंस इन ट्रांजिट भेजा अभी भी ट्रांजिट में, कहां सीखे थे, ब्रांच में, ई इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी, योग्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, गार्नर वर्सेस मरे रूल, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अगर आपको रेमिटेंस इन ट्रांजिट समझ में नहीं आता था तो एक बार छोड़ देते, दूसरा करते, फाइनली रेमिटेंस इन ट्रांजिट अपने आप ब्रांच का समझ में आ जाता था. रेमिटेंस इन ट्रांजिट वगैरह जब हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग सीख रहे थे या डिपेंडेंट ब्रांच में भी रेमिटेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां कैश इन ट्रांजिट के बारे में सीखा था हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये आपके काम का नहीं है एक्चुअली, ये ग्रुप टू में है, काम का नहीं है. स्टॉक एंड डेटर, ब्रांच अकाउंट्स, अकाउंट सेल्स कंसाइनमेंट, ठीक है. मैच द फॉलोइंग, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस, बिना देखे बोलो, कैपिटल, आंसर इज ओके, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दिया हुआ है, आंसर इज डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम. इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, गुडविल. डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर नाउ हम AS6 कर रहे हैं, बट ये AS10 में हो गया है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज AS2. डन. आगे मैच द फॉलोइंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, काम का नहीं है वैसे, बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है. इनटैंजिबल एसेट AS26, काम का नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सिंगल एंट्री सिस्टम. डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, देखो अब आ गया AS10, सही दिया. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस. डन. तो देखो AS के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मैच दी फॉलोइंग में एक ठो दिखेगा, नाम बस याद रखना है. तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे नाम आपको याद हो जाएगा. AS10 PPE, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ग्रुप टू में पढ़ाया हुआ है. AS3 अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, सब ग्रुप टू का है, ठीक है, कोई बात नहीं. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS13 नहीं है आपके सिलेबस में. डेल क्रेडिट कमीशन, कंसाइनमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7. डन. आगे AS3 हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैक्सिमम लॉस मेथड पीसमील, AS10 हो गया फिक्स्ड एसेट, एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस क्लेम, रीपोजेशन, हायर परचेज. एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है, कुछ है ही नहीं, पढ़ते जाओ आंसर होते जाएगा, 5 में 5 मिलना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट NPO, रिवैल्यूएशन मॉडल AS10, एसेट का, फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन, प्रोफोर्मा इनवॉइस, कंसाइनमेंट, स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो AS बता, AS7 पार्शियल रिपोजेशन, हायर परचेज. डन. डेड रेंट, दूसरा नाम बोल, मिनिमम रेंट दिया हुआ है क्या नीचे कुछ, डेड रेंट, रॉयल्टी, मार्शलिंग, लिक्विडिटी ऑर्डर, परमानेंस ऑर्डर, प्रोटेस्टिंग, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट सेल्स, कंसाइनमेंट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है. आगे चलो क्वेश्चन 17, HRCM, piecemeal distribution, basis of apportionment of expense, departmental accounts, partial repossession, higher purchase, indemnity period, insurance claim, revenue recognition, AS9. Done. Last, endorsement, bills receivable, amortization, depreciation, average clause, insurance claim, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रिकवरेबल अमाउंट AS10. ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट, ये हो गया AS10. पिक्चराइज हो जाएगा, जब इतना कुछ सॉल्व करोगे ना अपने आप पिक्चराइज हो जाएगा. अब देखो इंस्टीट्यूट कैसे आंसर चाहता है तुमसे, ये देख लो, 1 का ई, 2 का ए, 3 का एफ, 4 का जी, 5 का बी, एग्जाम में आपको ऐसे आंसर लिखना है, पूरा का पूरा वो उतारने का जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम. डन. दिस कंप्लीट्स मैच दी फॉलोइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुकलेट. थैंक यू सो मच, बाय बाय.